फेयर सटीक बेबार। लेकिन जो भीड़ है वो अभी भी बढ़ती जा रही है। लगभग 50,000 लोग यहाँ पर अब तक पहुँच चुके हैं। जो यहाँ पर देखिए लोगों का आप अंदाजा लगा सकते हैं, सड़क जो है पूरी भर गई है लोगों से। इन लोगों से जानते हैं वो क्या करने के लिए आए हैं, क्या कुछ मकसद है, धन्यवाद के लिए क्या कहेंगे मोदी से। क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। संजय जी, किस लिए आए हैं आज? अभी हम मोदी जी के समर्थन में आए हुए हैं। मोदी जी के समर्थन जी, क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी को ये कहेंगे, मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जितने भी जिहादी निकले हुए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर या जो भी पुलिस वालों के ऊपर आतंक कर रहे हैं, इनको सीधा ही गोली मारने का ऑर्डर दे देना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ सपोर्ट करने आए हैं कैब के लिए। कहाँ से आए हो? गीता कॉलोनी से जी। गीता कॉलोनी से दिल्ली में किसकी लहर दिख रही है? मोदी जी की दिख रही है। दिख रहा होगा ये किसकी लहर है, आप ही समझ सकते हैं कि किसकी लहर है। यहाँ पर जो आए हैं हम लोग सपोर्ट करने आए हैं सिर्फ मोदी जी को। क्या है दिल्ली का? कमल है, आप किस लिए आए हैं? मोदी जी ने क्या बड़ा कदम उठाया? बहुत बड़ा कदम उठाया देश के विकास के लिए। कहाँ से आए हो आप? गीता कॉलोनी से। क्या करने के लिए? हमारे इधर की जो जमीन जो अधिकृत कॉलोनी है 1731 उसे पास कर दिया गया है मोदी जी, जो हमारे लिए अपना घर दिया गया। हम दुखी में रहने वाले जिसको अपना घर दे दिया गया मोदी जी ने। और नागरिकता संशोधन बिल है उसका हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। बार दिल्ली में चुनाव भी मुड़ गया है। बीजेपी बीजेपी मोदी को मोदी मोदी। एक सवाल है, दिल्ली से मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखोगे? हमारे मनोज तिवारी जी। आप तिवारी? मनोज तिवारी। मोदी को देना चाहते हैं हम मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मनोज तिवारी जी। मुख्यमंत्री मुझे भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, वो हमारे मुख्यमंत्री होगा। देश में पूरे देश में डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रधानमंत्री मोदी की रामलीला मैदान में रैली है, मोदी को आने में अभी टाइम है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। अभी मोदी जी तो पहुंचे नहीं, लेकिन मोदी जी का मुखौटा लगाकर हमारे साथ ये भाई पहुंच चुके हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। अच्छा, मोदी के रूप में राहुल ना? हाँ जी हाँ जी, राहुल गांधी तो नहीं? नहीं नहीं, राहुल मोदी। आदर मोदी। हम आया तिमारपुर मंडल से। ये कहाँ से लेके आए मास्क? ये मास्क हम अपने पास से लाए हैं। ये मोदी जी, आई लाइक इट मोदी जी। दिल्ली में कौन आएगा इस बार? मोदी। पहले कभी देखा है मोदी जी को? बहुत बार देखा है मैडम। हाँ जी, कितनी देर में आने वाले हैं मोदी जी? बस आने वाले होंगे, फ्लाइट लैंड होने वाली होगी उनकी। अच्छा, आप कितनी देर से हो यहाँ पर? हमें हो गया लगभग 2-2.5 घंटे। तो अगर मोदी जी लेट हो गए तो फिर भी यही रहोगे? अरे पूरे दिन, कल के लिए भी, कल भी यही रहेंगे हम रोज। अभी जो आपको देख रहे हैं लोग तो लगता है कि भाई मोदी जी हैं, तो कैसा लग रहा है मोदी जी का ये मुखौटा पहन के? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुखौटा तो हमारे को तो नहीं जचता, बट उन्हें ही जचता है। हाँ जी, मोदी जी के साथ देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मोदी जी मिले तो? मिले तो हम एक ही बात कहेंगे कि देश को अच्छा रखो, जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जो घुसपैठिए है आए हैं हमारे देश के अंदर, इन्हें सबसे पहले बाहर निकालो। सपोर्ट में हो ना? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट में। आप ही की उम्र के जो युवा है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे? उन्हें कहेंगे करते रहो। जो खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? खिलाफ प्रदर्शन करने हैं उनका क्या काम, वो तो करते ही रहेंगे, उनका काम ही यही है। ये थे राहुल, अगर नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो हम कहेंगे कि मोदी जी ऐसे ही काम करते रहो। ये लोगों का जो प्यार है मोदी जी के लिए वो आप देख सकते हैं। जितने भी लोग इस रैली में आए हैं सबका एक ही सवाल है, अगर मोदी जी मिले तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, उनसे कहेंगे जो आप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आप अगर मोदी जी मिलते हैं, आपका क्या मैसेज है मोदी जी तक, हमें कमेंट में जरूर लिख के दिखाइए। और किसको चाहते हो इस बार दिल्ली में? सीएम बीजेपी। बीजेपी से कौन? हमारे हर्षवर्धन जी का है। आप किसको चाहते हो?
इसके साथ है। इसके साथ हो, कहाँ से आई हो? हमने क्या करने आए हो? ये मोदी जी के दिखाने के आया है, जो गलत जो करता है ना उसको साफ करने आया। आज तक कभी देखा है मोदी को? हाँ। पहले कभी देखा है मोदी को? हाँ देखा है पहले, ये 4 साल के बाद। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छे लगता है। कहोगे अगर मोदी जी मिले तो? मिलेगा तो यही कहेगा, भैया राज को क्लियर करो, अपने साफ करो। अच्छा। देश आजाद करो। किसको चाहते हो इस बार मुख्यमंत्री के रूप में जी? मुख्यमंत्री किसे बनकर देखना चाहते हो? मुख्यमंत्री हर्षवर्धन जी को। किसको देखना चाहते हो? मनोज तिवारी। ये थी दिल्ली की जनता, कोई कहीं से आया है तो कोई कहीं से। मोदी की रैली है तो वही, जब हमने लोगों से उनका चुनावी मूड जाना कि इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, किसी ने कहा मनोज तिवारी तो किसी ने कहा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये था दिल्ली की जनता का चुनावी मूड, और साथ ही इनके मन में जो खुशी है मोदी को देखने के लिए वो भी आप साफ देख चुके हैं। आप किसको चाहते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना? प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, ये बड़ी भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। जितनी देर से सुबह से यहाँ मौजूद है वो 11 से ज़्यादा बज चुके हैं, समय जो 11 से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जो भीड़ है वो अभी भी बढ़ती जा रही है। लगभग 50,000 लोग यहाँ पर अब तक पहुँच चुके हैं। जो यहाँ पर देखिए लोगों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सड़क जो है पूरी भर गई है लोगों से। इन लोगों से जानते हैं वो क्या करने के लिए आए हैं, क्या कुछ मकसद है, धन्यवाद के लिए क्या कहेंगे मोदी से? क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। संजय जी, किस लिए आए आज अभी हम मोदी जी के समर्थन में आए हुए हैं? मोदी जी के समर्थन जी। क्या कहेंगे मोदी जी से मिल गए? मोदी जी को ये कहेंगे, मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जितने भी जिहादी निकले हुए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर या जो भी पुलिस वालों के ऊपर कर रहे हैं, इनको सीधा ही गोली मारने का ऑर्डर दे देना चाहिए गवर्नमेंट को। या हम सपोर्ट करने आए हैं कैब के लिए। कहाँ से आए हो? गीता कॉलोनी से जी। गीता कॉलोनी से कहाँ से आए हो? गीता कॉलोनी से। दिल्ली में किसकी लहर दिख रही है? मोदी जी की दिख रही है। दिख रहा होगा किसकी लहर है, आप ही समझ सकते हैं कि किसकी लहर है यहाँ पर। जो आए हैं हम लोग सपोर्ट करने आए हैं सिर्फ मोदी जी को। चुनावी मूड क्या है दिल्ली का? कमल कमल है। आप किस लिए आए हैं? मोदी जी ने क्या बड़ा कदम उठाया? बहुत बड़ा कदम उठाया देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए कहाँ से आए हो आप? गीता कॉलोनी से। करने के लिए हमारे इधर की जो जमीन जो अधिकृत क्रियालोनी है 1731 उसे पास कर दिया गया है मोदी जी, जो हमारे लिए अपना घर दिया गया। हम दुखी में रहने वाले जिसको अपना घर दे दिया गया मोदी जी ने। और नागरिकता संशोधन बिल है उसका हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। जो बार दिल्ली में चुनावी मूड क्या है? बीजेपी बीजेपी मोदी को मोदी मोदी। दिल्ली से मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखोगे? हमारे मनोज तिवारी जी। तिवारी मनोज तिवारी। मोदी को देना चाहते हम मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मनोज तिवारी जी। मुख्यमंत्री मुझे भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, वो हमारे मुख्यमंत्री होगा देश में, पूरे देश में। डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ पर मोदी की रैली में आए हुए लोग हैं, जब इनसे जाना सटीक बेबाक।